फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10 के साइंस के पेपर के पैटर्न के बारे में। उसमें जो शुरू में ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आपका पैटर्न आता है, दैट इज असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और कुछ उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे हमने लिए हैं। तो सबसे पहले उसके लिए उसमें एक डायरेक्शन लिखा होता है जिसमें दो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, एक को हम असर्शन कहते हैं और दूसरे को हम रीजन कहते हैं। जो असर्शन वाला जो पैटर्न होता है उसमें आपका क्या रहेगा कि एक स्टेटमेंट दिया है, हमको उसको रीड करना है कि आइदर इट इज अ ट्रू और द फॉल्स, हमें देखना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद वहां पे एक रीजन दिया होता है। अब हमें पहले तो ये चेक करना है कि रीजन ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद हमें देखना है कि जो असर्शन है कहीं ये रीजन उसी का एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें चार तरीके की कंडीशंस मिल सकती हैं। पहले में जो रहेगा वो आपका दोनों बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि जो assertion और reason है दोनों ही सही हैं, और जो R है वो correct explanation है assertion का। अगर ये condition हमको दिखती है तो हम A को लिखेंगे option में। अगर हमें दोनों ही true लग रहे हैं लेकिन जो R है वो assertion का correct explanation नहीं है तो हम B option को select करेंगे। और अगर एक ही हमको, जैसे A assertion अगर हमको true लग रहा है और R हमको फॉल्स लग रहा है तो हम C सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और D में जो हम कहेंगे तो उसमें क्या रहेगा, उसमें आपके जो दोनों ही एक A जो है वो फॉल्स होगा और बाकी के जो चीज़ें हैं वो ट्रू रहेंगी। नाउ कम ऑन द पैटर्न, अब उनके जो क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 10th। इसमें आपको assertion और reason में यहाँ पे हम biology के questions को ही discuss कर रहे हैं। तो पहला जो assertion और reason में जो पहला question है वो है aquariums are known as the man-made ecosystem। हमको पता है कि aquarium जो है वो man-made ecosystem है। Yes, it is true, it is not our natural ecosystem। दूसरा है आपका reason, aquariums are created and maintained by humans। Yes, ये भी हमें पता है कि जो aquariums बनते हैं उनको अगर humans बना रहा है तो उसे हम man-made ecosystem कहेंगे। So we can say both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion। I think सबको clear हो गया होगा कि इस तरीके से हमको जो यहाँ पे हमने देखा कि A वाले slot को हम tick करेंगे, जो हमारे बैक स्लाइड में था, यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा था इसी को हमने टिक किया है। और अब हमारा दूसरा आता है, assertion में दे रखा है greater number of individuals are present in lower trophic levels। ट्रॉफिक लेवल्स हमने फूड चेन में देखा है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। जो सबसे लोअर जो ट्रॉफिक लेवल होता है दैट इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो वहां पे कह रहे हैं कि ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। यस, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजों में कोई रिलेशन नहीं है, बोथ आर ट्रू। फ्लो ऑफ एनर्जी में हम लिनमान का रूल पढ़ते हैं और उसमें हमें पता है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो स्टेटमेंट जो निकल के आया उससे पता लगा बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का यूनिडायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमने देखा बी वाला सही है। नेक्स्ट है एजेनेसिस्ट assertion में है, एजेनेसिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स विद अ पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन फर्स्ट जनरेशन। देखिए जब हम मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब हम वाइट और वायलेट फ्लावर का क्रॉस कराते हैं तो इन फर्स्ट जनरेशन वी गेट अ वायलेट फ्लावर्स।
लेकिन व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए दूसरा स्टेटमेंट दिया है, मीन्स फर्स्ट वन इज अ ट्रू, व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. क्या जब दूसरी जनरेशन यानी कि जब हम एफ टू जनरेशन में जाएंगे तो क्या हमें व्हाइट कलर के फ्लावर नहीं मिलेंगे? नो, वी गेट व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो हम देखते हैं कि हमें 1:2:1 का रेशियो मिलता है जहाँ पे हमें नेक्स्ट जनरेशन में वाइट कलर के फ्लावर्स मिलते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग. तो अगर हम प्रीवियस लाइन में देखें तो सी वाला जो ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, उसको हम ऑप्ट कर लेंगे. क्लियर? अब फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ जो है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट. यस, इट इज राइट, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें ग्रीन प्लांट यानी प्रोड्यूसर्स रहते हैं जो सन की लाइट को और एनर्जी को ट्रैप करके दे कैन मेक अ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. रीजन, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. यस, वेरी गुड. ये यहाँ पे अब मैंने आपको पहले में ही एक्सप्लेन कर दिया था एंड द रीजन इज देयर. तो हमारा जो आंसर है वो ए रहेगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एसर्शन. क्लियर? होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि इनको देखिए करने में यहाँ पे मैंने 15 दिया है और 15 क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उनको अगर एक बार आप रिवाइज करेंगे तो इट रिमेन बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. Now fifth, the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. सबको पता है in the womb embryo को nutrition जो मिलता है वो mother के blood से मिलेगा by the placenta. Placenta जो है वो transfer करता है glucose and oxygen from the mother to the embryo. ये ठीक है, but it is not a correct explanation of the assertion. ये assertion का correct explanation नहीं है. तो यहाँ पे जो आपका answer रहेगा वो both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, वो उसी placenta को दोबारा से explain कर रहे हैं, उसके function को ही explain कर रहे हैं, यहाँ पे reason नहीं बता रहे हैं. तो दोनों true है लेकिन explanation नहीं है. Next है सिक्स पे आएंगे हम. फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर्स. फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर पॉलिनेशन नहीं होगा. ठीक है, ये आपको पता है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के टाइम पे जो मेल जो पॉलेंस हैं दैट विल कम ऑन द स्टिग्मा ऑफ द another flower of the same flower. मतलब it depends, मतलब but in pollination flowers जो pollen will have to come on the stigma of the जो pistil है, pistil के stigma पे आता है, then it enters to the pollen tube and reaches to the ovule की side पे पहुंचेगा. That is a pollination. Pollination leads to the fertilization. तो पॉलिनेशन इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन अ फ्लावर. इट्स ट्रू एंड इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन. क्योंकि व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो यहाँ पे जो है आपका दोनों ही आंसर जो है वो सही है. फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बिना नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन में दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं फ्लावर में होने चाहिए. सो आंसर ए इज राइट फॉर द सिक्स क्वेश्चन. सेवेंथ है, अब यहाँ पे हम एक टर्म की बात करेंगे, दैट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या हार्म नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हार्मफुल सब्सटेंस है that will enters into a food chain and accumulated progressively at each trophic level. यानी कि एक trophic level से जो first है, फिर second, फिर third, फिर fourth, उन trophic levels में ये transfer होगा
और इसका जो एक्युमुलेशन होगा वो सबसे ज़्यादा हायर ट्रॉफिक लेवल पे होगा, यानी इसका जो अमाउंट जो होगा वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे होगा। सो दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अफेक्ट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर्टिकुलरली द टर्शियरी कंज्यूमर्स। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिस इज नॉट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी यहाँ पे हमें ये बताना है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का रीजन और वो चीज़ वो यहाँ पे नहीं है, ये उसी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ये अफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म को जो कि बिलोंग कर रहे हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को, पर्टिकुलरली इन द टर्शियरी कंज्यूमर्स। सो हमारा बी आंसर सही रहेगा, ए और बी, ए एंड आर आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नाउ कम ऑन द एट्थ वन। एट्थ में कह रहे हैं बैक्टीरिया और फंजाई बोथ आर डीकम्पोजर्स। वेरी ट्रू, हमको पता है, हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और दोनों ही क्या करेंगे, जो हमारे डिकम्पोज कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को। तो यहाँ पे है वही, देखिए डिकम्पोजर्स का काम हमें रीजन में दे रखा है, बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट एंटर इनटू सॉइल एंड आर अगेन यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया और फंजाई दोनों का क्या काम है, ये डिकम्पोजर्स हैं, रीजन है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द डिकम्पोजर्स एंड दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंटर इनटू द सॉइल एंड अगेन यूज्ड अप बाय द प्लांट। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नाउ नेक्स्ट, देखिए ये जो आप लोग कर रहे हैं कि एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर क्लास 10 के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, तो उसको सब लोग देखेंगे और पूरे 15 क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करेंगे। नाउ 9, हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। ये हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें, जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा है कि हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कार्निवोर्स से बड़ी होती है। कार्निवोर्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सेलुलेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ रीजन देना था कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों होती है टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट रीजन चेंज कर दिया है, वो कह रहे कार्निवोर्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। नो, कार्निवोर्स में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। सो हमारा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो अब 9th में अगर हम प्रीवियस स्टेटमेंट से देखेंगे तो हमारा सी स्टेटमेंट राइट होगा। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ 10th है एसर्शन, द एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल अकॉर्डिंग टू लॉ लिंडेमान। Yes, it is true. Different step में food chain से producer से consumers की तरफ जाएगा हमेशा energy flow, not from consumers to producer. Reason है, the energy which is captured by autotrophs does not invert or revert, back to the solar input and passes to the herbivores. वेरी गुड, वहाँ पे यही बताया गया है कि जो एनर्जी है ऑटोट्रॉफ्स मीन्स प्लांट्स, वो रिवर्ट नहीं करते हैं, सन को वापस उसकी एनर्जी नहीं देते हैं, बल्कि वो एनर्जी हर्बीवोर्स को पास करते हैं। आपको पता है 10% एनर्जी पासेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोर्स। नाउ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सॉरी, नेक्स्ट है 11th हमारा एसेशन, एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड स्पीडिंग अप द डाइजेशन प्रोसेस। हमें पता है एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली रिएक्शंस को, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट जो रिएक्शंस को चलाते हैं और केमिकल कन्वर्जन अकर इन द
reaction or in the digestion process, but they do not participate in the reaction, but only speed up the reaction. Iska reason kya hai? Food needs to be broken down into their small and simpler molecule so that they can be absorbed into the bloodstream. Yes, it is right. क्योंकि हमें foods को छोटे और simple molecules में break down करना है और blood stream में उसको absorb कराना है, so we need our enzymes. So we need an enzymes. तो our A statement is right. Both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. 12 है, the enzymes released by microorganism help in breaking down biodegradable waste. जो भी एंजाइम माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी अगर बैक्टीरिया से रिलीज हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये सही है, लेकिन दूसरे में कह रहे हैं रीजन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरली इनऑर्गेनिक वेस्टेस. तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो जनरली ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता है. इसलिए ए ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है. 13 में है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज. इसको हम कहेंगे यस, फूड चेन में अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो बॉडी में एंटर कर जाएगा या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में इजीली एंटर कर सकता है अकॉर्डिंग टू बायो मैग्निफिकेशन रूल. द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली. नहीं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है. देखो फूड चेन की जो लेंथ है और कॉम्प्लेक्सिटी ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू द एंट्री ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स. सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन. सो आंसर बी विल बी द राइट. 14 है, डीकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. यस, डीकम्पोजर्स पे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है. हमको सबको पता है कि डीकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर एनवायरमेंट. They act as a cleaning agent. It's true. The decomposers recycle waste material in the hydrosphere. So this is not a right statement. The decomposers recycle waste material in the biosphere, not in a specifically hydrosphere. So this statement is wrong. So assertion is true and reason is false. And now hamara jo last question hai wo hai, the concentration of harmful chemical is more in human beings. जो concentration है harmful chemicals का वो human beings में ज़्यादा होता है. Man is at the apex of the food chain. क्यों concentration ज़्यादा होगा? क्योंकि आपको पता था due to biomagnification जो top level पे trophic food chain में रहेगा, यानी जो higher trophic level पे होगा उसमें हार्मफुल केमिकल का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा. और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, रीज़न भी हमारा ट्रू है. सो हम ऑप्शन ए को ऑप्ट करेंगे. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन. होपफुली आप लोगों ने ये जो 15 जो एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों ने समझा होगा, इन पैटर्न को आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको लगता है इसी तरीके की आपको कोई 10th के साइंस के बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स. एंड इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनी पैटर्न और द एनी नीड ऑफ द सैम्पल पेपर, सो यू कैन राइट इन आवर कमेंट बॉक्स. और अगर आपको इस तरीके की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ हमारा वीडियो देखते रहें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ video.